राजनगर गोविंदपुर में बनेगी मांझी परगना हाउस। मंत्री चंपाय सोरेन ने रखी आधारशिला। करीब 12 करोड़ की लागत से बनेगी मांझी परगना हाउस। अत्याधुनिक सुविधाओं से होगी लैस। लगभग 2000 लोगों की बैठने की होगी क्षमता। आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपाय सोरेन ने शुक्रवार को राजनगर के गोविंदपुर में मांझी परगना हाउस निर्माण की आधारशिला रखी। विगत मई माह को इस योजना का मंत्री ने बगराईसाई में शिलान्यास किया था, परंतु वहां आदिवासी निजी जमीन होने के चलते विभागीय स्वीकृति नहीं मिल पाई, जिस कारण स्थल परिवर्तन करना पड़ा। इस दौरान कई जाहिरथान, सौंदर्यकरण, उप स्वास्थ्य केंद्र, भवन एवं पीसीसी सड़क का भी शिलान्यास किया गया। मंत्री चंपाय सोरेन ने कहा कि झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष में पहला सबसे बृहद और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस आदिवासियों का मांझी परगना हाउस की नींव आज गोविंदपुर में रखी गई। ये मांझी परगना हाउस आदिवासियों की दशा और दिशा तय करेगी। यहाँ बैठकर आदिवासी समाज अपनी शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए बैठकर विचार विमर्श कर सकेंगे। यहाँ आदिवासी समाज के मांझी परगना मुंडा मानकियों के लिए बैठने की व्यवस्था होगी, जिसमें करीब 2000 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। साथ ही तमाम तरह की सुविधाएं रहेंगी। हेमंत सरकार आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए हर गांव में भी मांझी भवन, कला संस्कृति भवन, धुमकुड़िया भवन बना रही है। आदिवासियों की तरह मूलवासियों की धार्मिक स्थल व जाहिरथानों को सुरक्षित किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि हेमंत सरकार ने अवा वीर विश्वम अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत वर्षों से वनों में रहने वाले वन पट्टा देकर उनको मालिकाना हक सरकार देने जा रही है। फिर से आपके योजना आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। छात्रों, पेंशनरों, दिव्यांगों के लिए फ्री बस सेवा शुरुआत की जा रही है। झारखंड को अग्रणी राज्य में शुमार करने के लिए हमारी सरकार तेजी से विकास योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। मंत्री ने भाजपा को आदिवासी विरोधी बताते हुए कहा कि भाजपा का कभी भी आदिवासियों के साथ रिश्ता नहीं रहा है, बल्कि उनका तो यहाँ की खनिज संपदाओं के साथ रहा है। आज हेमंत सरकार यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों को उनका हक अधिकार दे रही है, तो भाजपा बौखलाहट में अनर्गल, अनाप शनाप हेमंत सरकार पर आरोप लगा रही है। इस मौके पर LED में प्रेजेंटेशन के माध्यम से लोगों को सरायकेला विधानसभा क्षेत्र व झारखंड में किया जा रहा विकास कार्यों को दिखाया गया। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोद्रा, सदस्य सुलेखा हंसता, मालती देवगम, मुखिया राजू टुडू, प्रखंड अध्यक्ष रामजीत हंसता, लिपू महांती, सूर्यमणि मार्डी, डोबरा देवगम, नेम्बू प्रधान, कर्मू पान, राकेश सतपति, सोमनाथ गोप, मिथुन कुंभकार, राकेश पति उपस्थित रहे। इन योजनाओं की रखी गई आधारशिला। 9 करोड़ का मांझी परगना हाउस, 55 लाख के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र, सीतारामपुर डैम पर 40 लाख का फेबर ब्लॉक, जाहिरथान सौंदर्यकरण के लिए 2,58,59,000, 2,36,32,000, 1,87,15,000, 2,09,16,000, 1,46,00,000 जहराथान के लिए, 2,30,00,000 भी जहराथान के लिए रहेगा। राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट, छोटा नागपुर लाइव। मांझी परगना आवास स्थल में शिलान्यास किया गया। आज जो हेमंत सोरेन सरकार विकास का काम को रफ्तार तेजी कर दिया, इसको देख के BJP के यहाँ कोई मुद्दा नहीं रह गया। इसलिए BJP के पास अनाप शनाप बेबुनियाद का बात बोल के अपना दिल को शांत कर रहा, और इसीलिए झारखंड क्षेत्र को हमारे गठबंधन सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में है। जो लोग 18 साल में कुछ नहीं कर सका, हम लोग 2 साल में दिखा दिया कि झारखंड का विकास कैसे होता है, और पूरा हर क्षेत्र में हम लोग जंगल का भीतर का गांव से लेकर शहर तक हर तरह का जनहित का योजना को हम लोग तेजी से काम करना शुरुआत कर दिया। आने वाला दिन झारखंड जो BJP के द्वारा जो सूची में नीचे जो अंकित किया गया था, और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो काम हो रही है, इसको इसलिए ऊपर हो जाएगा। ये झारखंड सरकार हेमंत सोरेन का इनका कोशिश है। यहाँ हर समुदाय को आज सम्मान अधिकार के साथ अमन चंद से रहने दिए के मौका मिलेगा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे गठबंधन सरकार हेमंत सोरेन का नेतृत्व में यही सच्चा कदम है।